और प्रवासी भारतीय बीमा पॉलिसी भी ले लेना। हाँ एजेंट भी यही कह रहा था पहले पैसे लेके आओ। लगता है तू किसी गलत एजेंट के पास गया है। पहले टोल फ्री नंबर 1800113090 पर फोन करके पता कर कि तेरा एजेंट रजिस्टर्ड है या नहीं। इमिग्रेशन क्लियरेंस ले और सुरक्षित होकर विदेश में नौकरी करने जा। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। अब राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्लमवासियों को मिलेगा अपना घर, अपनी जमीन पर अपना घर और मालिकाना हक। अरे छोड़ो, ये सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया। ये देखो। अरे वाह। अब जिएंगे सम्मान से, जिएंगे शान से। राजीव आवास योजना का सहारा है, अपना भी घर होगा, अपनी इज्जत होगी, शहर में ही अपना पता होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास, राजीव आवास योजना। सबको हक, सबका सम्मान। पवित्र बंधन प्रायोजक फेयर एंड लवली क्रीम। फेयर एंड लवली का बेस्ट एवर फॉर्मूला ट्रीटमेंट जैसी निखार के लिए। कैसा है कैसा नहीं है मैं जानने में इच्छुक नहीं। विषमा फैसला ले चुकी है और मैं उनके साथ हूं। अब वो लड़का लौटा भी तो उसके साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं जोड़ सकता। कोलकाता नहीं जा रही, मैं अपने अभिजीत से मिलने जा रही हूँ। अपनी किसी भी हरकत से रॉय चौधरी परिवार पर कलंक मत लगने दो तारा। तुम अभिजीत से प्यार करती हो ना तो मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं घर वालों को मनाऊंगी। अब सच करें मोदी, आज एक बहुत बड़ी मुसीबत टल गई। अगर तारा ने ये कदम उठा लिया होता तो नहीं, कल मुझे किसी भी हालत में घर वालों को मनाना ही होगा। What should I do, mom? श्रुति मेरी वजह से कोमा में है। जब ये बात यहाँ सबको पता चलेगी तो ओ गॉड क्या करूँ मैं? मैंने गलती जरूर की पर मेरा इंटेंशन रॉन्ग नहीं था। Please help me, mom. एक आप ही थी जिनको मैं सारी बातें शेयर करती थी, इनको सारी बातें सुना दी थी। अब यहाँ कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मम्मा मेरे यहाँ पे। I need you. Please help me. सोनाली आप ठीक तो है? रो क्यों रही हो आप? बताइए मैं कुछ कर सकती हूँ आपके लिए? मुझे कोलकाता वापस आना है। भेज सकती हो? नहीं ना, तो नहीं ले। कोई हेल्प नहीं कर सकता मेरी, कोई नहीं।
ठीक है बुलबुल, खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके। नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम मेरे साथ खेलो, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं ना पूरा दिन बोर हो जाती हूँ। तुम ना घोड़ा बनो और मैं तुम्हारी सवारी करूंगी। देखो बुलबुल, मैं राजबाड़ी सा काफी टेंस हूँ, वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम चली तारा की। मैं ऐसे क्यों बोल रहा? देखो बुलबुल, खाना खा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तुम घोड़ा बनो और मैं तुम पे सवारी करूंगी। बुलबुल सुनो, नहीं, तुम घोड़ा बनो, मैं तुम पे सवारी करूंगी। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े। बुलबुल मैं पचपना मत करो, मैं तुम्हें कहा ना चुपचाप बैठ के खाना खा लो तो खा लो। कैलाश, तारा के कमरे से सामान ले आओ, और हाँ, तारा को बोलना जल्दी नीचे आए, वैसे ही देर हो, जाओ जल्दी। विषमा, मैंने आप लोगों के कोलकाता में रुकने का इंतजाम कर दिया है, आप बस ज्यादा चिंता मत कीजिएगा, मैं वैसे आता जाता रहूंगा वहां पर। यही सही है, मुझे इनसे और पिशिमा से तारा की बात कर लेनी चाहिए। पिशिमा बहू, मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिनों के लिए जा रही हूँ, इसलिए घर की जिम्मेदारी तुम्हारे और गिरीश के ऊपर है। और हाँ, बच्चों का ठीक से ख्याल रख, और मेरे बारे में कोई पूछे तो कह देना कि रिश्तेदारों के घर गई। रिश्मा, मुझे मुझे आपसे कुछ जरूरी। तारा क्यों नहीं आई? जाके बुला के लाना उसे। मालकिन, तारा दीदी अपने कमरे में नहीं है। अपने कमरे में नहीं है तो बच्चों के कमरे में होगी, देखो जाके वहाँ पे, लेकिन पहले सामान उठा के लाओ उसका। जा, कमरे में कोई सामान भी नहीं है, जाके बच्चों के कमरे में देखो, जाओ। बच्चे दिया को घुमाने मुर्शिदाबाद गए हैं, के साथ साथ ड्राइवर और बॉडीगार्ड भी गए हैं। तारा कहाँ रह गई? कहीं छोटे भाव के कमरे में तो नहीं है ना? शिवानी जी, आप बाहर थी? हाँ, मैं मंदिर गई थी। क्यों? नहीं, हम लोगों को लगा कि तारा आपके साथ थी। तारा तो मुझे सुबह से नहीं दिखी, मैं देखकर आती। विषमा देखो, चिंता करने की कोई बात, हो सकता है उसे उसका जाने का मन नहीं हो, बैठी हुई कहीं सोचती हुई। मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी कि दरअसल कल तारा नहीं जाना चाहती थी। मालकिन, मालकिन, पूरा घर ढूंढ लिया, तारा दीदी कहीं नहीं है, उन्हें किसी ने नहीं देखा। और पिशिमा, अब वो कहीं दिखेगी भी नहीं, तारा घर छोड़ के भाग गई है। बहुत हो गया आशना, बहुत हो गया। होश तो उड़ ही गए दादा, और जब आप ये लेटर पढ़ेंगे ना तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आशिमा बॉडी के नाम छोड़ के गई है लेटर। सुनिए आशिमा बॉडी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपकी बात नहीं मान पाई और ये घर छोड़कर चली गई। आपने मुझे कल रात को समझाने की बहुत कोशिश, मगर मुझे नहीं लगता इस घर में कोई मेरे और अभिजीत के प्यार को समझ पाएगा। आप भी किसी को समझा नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं अभिजीत के साथ बहुत दूर जा रही हूँ। प्लीज आप लोग खुश रहना, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपकी तारा। विषमा, मैं कल जो हुआ उसके बारे में बात करने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि बहुत हो गया आशमा, बहुत हो गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
तुझे कल रात से पता था कि तारा ऐसा कुछ करने वाली, लेकिन फिर भी तुमने बताना जरूरी नहीं समझा। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी एक शक्ति इस घर में मुसीबत खड़ा कर देती, लेकिन उसके बावजूद नहीं बताया तुमने। कम से कम पहले से पता होता तो कम से कम उससे बात करते, उसको रोकते सही। सब खत्म कर दिया तुमने सब। लेकिन पीशिमा, मैंने तारा को बहुत समझाया, बहुत समझाया मैंने, और उसने मुझसे वादा भी किया कि वो मुझे क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं मानती हूँ आशमा कि तुमने इस घर के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस घर के फैसले तुम लोगे। घर में बड़े बूढ़े जिंदा हैं, वो फैसले ले सकते हैं, समझी कि नहीं? तुमने ही तारा को शायद इसी वजह से तारा गलतियां करती रही और तुम उसे छुपाती रही, और आज नतीजा देख लो क्या हो रहा है। माय गॉड पिशिमा, अब तक तो हम ये सोच रहे थे कि तारा की बिन ब्याह मां बनने की बात कैसे छुपाए, लेकिन अब उसके घर छोड़ के जाने के बाद पिशिमा, आई डोंट थिंक ये बात हम किसी से छुपा पाएंगे। देखा आशिमा बॉडी, आपकी इतनी सी नादानी की वजह से कितना बड़ा बवाल हो गया। आप लोग क्या बोले जा रहे हैं तब से? अब पिशिमा, इसमें आशिमा की क्या गलती? आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि इसे कल्लास से ये बात मालूम, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा कि इसने तारा कितनी समझाने की कोशिश की। और आप लोगों को ये बात मालूम भी होती तो क्या कर लेते, रोक लेते तारा को। आपको क्या लगता है कि जो लड़की बिन ब्याह मां बनने का कदम हम सबके रहते उठा सकती है, उसके लिए घर से भागना तो छोटी सी बात? ना आप रोक पाती पिशिमा और ना ही मैं रोक पाता, फिर बेकार में इसे गलत क्यों ठहरा रहे? करें क्या ये बता? उसे ढूंढ कर लाना होगा किसी भी तरीके से, इससे पहले दुनिया वालों को ये बात पता चले, किसी तरह से उसे इसे ढूंढ कर लाना होगा यहाँ पर। तुम्हारे पास लाओ इसे, देखो बिल्कुल, तुम अभी पेन से लिखने वाली नहीं हुई, चौक और पेन से लिखो, समझे? चौंध बुलबुल, ठीक है मैं कपड़े डाल के आता हूँ फिर दे दूँ। कहा ना, वेट करो बुलबुल, वरना बिल्कुल नहीं दूंगा, समझी? जाओ अंदर जाओ। झुमकी है ना एक नंबर की पगलेट है, इतनी बड़ी झल्ली तो कोई अनपढ़ लड़की भी नहीं होती। झुमकी? हाँ क्या हुआ? कुछ तो नहीं चंद्रा जी। तुम लेटर पढ़ रही थी ना, तुम्हें पढ़ना आता है? अरे चंद्रा जी क्या बोल रही है, हमें कहाँ पढ़ना लिखना आता है, हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस के बराबर है, हम तो बस देख रहे कैसे पढ़ा जाता है कैसे लिखा जाता है, हमें कहाँ पढ़ना लिखना आता है चंद्र जी।
क्या क्या तुमने बुलबुल? वो मैं इंक लाने गई और इंक गिर गई। मैंने तुम्हें क्या कहा था बुलबुल? मैं अंदर आके खुद दूंगा, कहा था ना? क्यों चले तुम वहां पर? सारी इंक ला दी। बुलबुल इतनी बड़ी हो चुकी हो पर दिमाग में एक पैसे की अक्कल नहीं तुम्हारे अंदर। तुम्हें पता भी है ये पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट है? दिन भर धूप में खड़े रहकर मैं ये मेंटल हॉस्पिटल से फॉर्म लेके आया ताकि तुम्हें वहां भेज सको। सब खराब हो गया, ये ऐसी नहीं सुधरी। आज मैं तुम्हें ऐसी पंचमर दूंगा कि तुम सारी की सारी शैतानियां भूल जाओगी। जाओ जाओ और जाकर बालकनी में खड़ी हो जाओ। आज पूरा दिन भर तुम धूप में खड़ी रहोगी, समझी? तब तुम्हें समझ में आएगा। जाओ बुल, मैंने कहा बुलबुल जाओ। तारा घर से भाग गई? मैं अभी पहुंचा। जी आप प्रोफेसर रवि जी क्या छुट्टी पर है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है प्रिंसिपल साहब, धन्यवाद। नमस्कार आंटी जी, तारा आई है क्या वहां? नहीं आई। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक, सब जगह फोन करके पता कर। हेलो तारा ये क्या वहां? अच्छा ठीक है ठीक है, क्या करें, कहां ढूंढे तारा को, हम समझ नहीं आ रहा। मैं पुलिस को फोन लगाता हूं। नहीं 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 गिरीश, कोई पुलिस को फोन नहीं। कुमारी लड़की घर से भाग गई, ऊपर से जिस हालत में भागी है, किसी को पता चल गया ना तो क्या जवाब देंगे हम लोग? कहीं कहीं छोड़ा इस लड़की ने। तारा तुम्हारे यहाँ आई है? अच्छा नहीं आई तो ठीक है, तुम्हारे पास किसी किसी दूसरे दोस्त का नंबर है जिसे मैं बात कर सकती हूँ? हाँ नंबर 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 दो ना, एक एक मिनट एक मिनट हाँ एक मिनट। हाँ बोलो। 97 जीत के घर पे अभी तक ताला लगा हुआ है, क्या करूं? दादा एक मिनट, कल रात को आपने किसी लड़की को देखा था या आज सुबह कोई लड़की आई, आप कुछ बता सकते हैं? नहीं नहीं दादा मुझे पता नहीं है। ठीक है दादा। रिश्मा संभालिए अपने आप को, नहीं तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अगर ऐसे ही दिन देखने थे गिरीश, मैं मर क्यों नहीं जाती? अरे हमने तारा के साथ इतना क्या बुरा कर दिया जो वो हमसे ऐसे बदला ले रही है। पिशिमा मैंने तारा की सारी दोस्तों से बात कर ली है, आज या कल में उसने किसी से कोई बात नहीं की है।
कुछ पता चला? नहीं ना, तारा कहीं पता नहीं चला। अभी जिद घर, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन हर जगह चेक किया, जाने तारा कहाँ है। तुमने कहा था कि तारा ऐसा कुछ नहीं करेगी ना, तो ये क्या है?